वेलकम टू माय चैनल द सेफ स्नेहा। आज हम बनाएंगे वेज नूडल्स। कम मेहनत और कम समय में आप रेस्टो स्टाइल नूडल्स बनाइए घर में। तो चलिए आज की ये मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। नूडल्स बनाने के लिए यहाँ पे 4 कप पानी लिया है मैंने, इसे हम बॉयल होने देंगे। जब पानी अच्छे से बॉयल हो जाए तो उसमें हम नूडल्स डालेंगे। आप कोई से भी ब्रांड का नूडल्स यूज़ कर सकते हैं। पानी में तेल नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, बस पानी उबल जाए उसमें हम नूडल्स डालेंगे और इसे 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे। नूडल्स को आप तोड़ के मत डालिएगा, ऐसे जब भी हम नूडल्स बनाते हैं तो ये लंबे लंबे दिखने में अच्छे लगते हैं। इसे 2 मिनट हम ऐसे ही चला के बॉयल कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि नूडल्स हमारा अच्छे से बॉयल हुआ या नहीं। इसे हल्का सा ऐसे कट करके देखेंगे, ये बिल्कुल आसानी से कट हो जाएगा। इसे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। अब इसे हम छान लेंगे। नूडल्स को छान लेंगे। नूडल्स को छानने के बाद ठंडा पानी से धोने की, तेल लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे रख के थोड़ी देर बाद बना रहे हैं तब आप इसे थोड़ा सा ठंडा पानी से धो के तेल लगा के रख दीजिए। अगर आप इसे तुरंत बना रहे हैं तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। यहाँ पे एक पैन में मैं 2 टेबल स्पून ऑयल ले रही हूँ। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए फिर इसमें हम कटा हुआ अदरक डालेंगे, कटा हुआ लहसुन डालेंगे। लहसुन से नूडल्स में फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो आप लहसुन को थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में डालिए। इन सबको हाई फ्लेम पे हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर इसमें हरी मिर्च डालेंगे कटी हुई, इसे भी हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर इसमें हम एक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को मैंने पतले पतले स्लाइस में कट कर लिया है, इसे भी कुछ सेकेंड के लिए फ्राई करेंगे। फ्लेम को हाई रखिएगा। फिर इसमें कटा हुआ गाजर डालेंगे, इसे भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, नूडल्स में जो है सब्जियों का क्रंच अच्छा लगता है, इसे हमें थोड़ा ही पकाना है। अब इसमें हम कटा हुआ शिमला मिर्च डालेंगे और कटा हुआ बंदा गोभी डालेंगे और इन सबको भी हाई फ्लेम पे हल्का सा फ्राई करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे आप हाई फ्लेम पे ऐसे ही कंटिन्यू चलाइएगा। अब इसमें हम उबला हुआ जो नूडल्स हमने रखा था वो डालेंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कीजिएगा। अब इसमें हम स्वादानुसार नमक डालेंगे, अजीनोमोटो डालेंगे, ब्लैक पेपर डालेंगे थोड़ा सा, सोया सॉस 1/2 टीस्पून, रेड चिली सॉस 1 टेबल स्पून, टमाटो केचप 1 टीस्पून। सारे सॉसेज और मसाले को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा चौमिंग मसाला या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कीजिएगा। फ्लेम को बिल्कुल हाई रखिएगा ताकि इसमें बिल्कुल एक स्मोकी फ्लेवर आए। अब हम फ्लेम को बंद कर लेंगे और इसे सर्व कर लेंगे। ये देखिए रेस्टो स्टाइल वेज नूडल्स बनके तैयार है। इसे एंजॉय कीजिए, बहुत ही इजी रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।